वेलकम टू द फर्स्ट लेसन। फर्स्ट लेसन में हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ वॉइस। चेंज ऑफ वॉइस कुछ बैच में हो गया था और कुछ में नहीं हुआ था, तो जिनका हो गया था उनको क्या करना है, क्योंकि 15 दिन का लॉकडाउन था जिसकी वजह से हो सकता है आप उस चीज़ को अपने दिमाग से इरेज आउट कर गए होंगे, तो फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा कंटिन्यू की बरकरार रहे, क्योंकि हो सकता है 15 दिन के बाद हो सकता है लॉकडाउन और बढ़ जाए। तो क्या करना है, हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस करना है और जो जो सिखाया जाएगा उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। जिनका नोट डाउन किया हुआ है चेंज ऑफ वॉइस नो मैटर, लेकिन नया चीज़ आप कभी देखो तो उसको आप नोट डाउन कर लेना। ओके, तो हम लोग चेंज ऑफ वॉइस में क्या सीखेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यही दो वॉइस होता है, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव में हम लोग जो सीखेंगे, पैसिव में ठीक उसका अपोजिट सीखेंगे। एक्टिव क्या होता है, टेंस, जितना सारा टेंस होता है उन्हीं को एक्टिव कहते हैं। एक्टिव को रिवर्स करके जब हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव। पैसिव मतलब होता है उल्टा, एक्टिव मतलब काम करते रहना, पैसिव मतलब काम नहीं करना। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होता है, सेंटेंस पैटर्न। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले एक सब्जेक्ट होगा, इसके बाद भटका कोई सा भी फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ये ऑलरेडी हम लोग जब वर्ब का टेस्ट लिए थे या दिए थे आप लोग, तब जो है ये आप सीख चुके हो कि वर्ब का पाँच फॉर्म होता है, पाँच फॉर्म में से कोई सा भी फॉर्म होगा एक्टिव वॉइस में। और इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होना ही होना है। एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ये तीन मोस्ट नेसेसरी चीज़ है जो हमारे एक्टिव वॉइस में रहेगा। हो सकता है कभी कभी ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसके ऊपर वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी क्या है, हम लोग को तीन चीज़ जरूर दिखेगा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसको क्या कर देना है, जो सॉरी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको क्या कर देना है, सब्जेक्ट कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब खुद से क्रिएट करेंगे, खुद से लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब को लाना पड़ेगा, क्योंकि जितने सारे टेंस होंगे पैसिव वॉइस में उसका जरूर से जरूर कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगा, तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे। हर टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होता है, तो जिस टेंस का जैसा हेल्पिंग वर्ब होगा वैसा हम लोग पुट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम लोग एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई सा भी फॉर्म यूज करते हैं जैसा टेंस रहेगा, लेकिन थर्ड फॉर्म हमेशा यूज किया जाएगा। कहाँ पर, पैसिव में। कोई सा भी किसी भी टेंस का पैसिव हो, हमको ऑलवेज याद रखना है थर्ड फॉर्म रखना ही रखना है याद करके, क्योंकि हमेशा ये यूज में आने वाला है, तो वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होना है। इसके बाद क्या यूज करेंगे, बाय। बाय खुद से लाना है, क्वेश्चन में आपको नहीं रहेगा, वो आपको खुद से लाना रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव वाले पार्ट को रिवर्स करते हैं, रिवर्स मतलब उलट दे रहे हैं। ये सब्जेक्ट को हम लोग कहाँ ला दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट में। इस ऑब्जेक्ट को कहाँ ला दे रहे हैं, सब्जेक्ट में ला दे रहे हैं। यही है पैसिव, रिवर्स कर देना। दो चीज खुद से लाना है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड बाय, और वर्ब का थर्ड फॉर्म करना ही करना है। तो इस तरह से हम लोग का चेंज ऑफ वॉइस का जो बेसिक फंडा, बेसिक रूल जो है, दैट इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड, बाय, ऑब्जेक्ट। एंड ये चीज़ जो है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जब जब यूज़ करेंगे, जब जब चेंज करेंगे एक्टिव को पैसिव में, बेसिक रूल यही यूज़ करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड, बाय, ऑब्जेक्ट। ओके, और ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा याद रखना है कि ये चेंज होता रहेगा, जैसा टेंस रहेगा वैसा चेंज होता रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे इस सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाए तो वो क्या चेंज हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आएगा तो वो क्या चेंज होगा, चेंज होकर क्या होता है। तो हमेशा यहाँ जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्टिव पार्ट होगा, ऑब्जेक्ट में उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इंटरचेंज ऑफ पर्सन, वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं वही काम हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो क्या करना है, एक्टिव वॉइस में कुछ रहेगा तो उसको पैसिव वॉइस में करेंगे, तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में क्या रहेगा, आई, तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस में मी। ये इंटरचेंज होता रहेगा, अगर मी कहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई रहेगा तो क्या कर देंगे, मी कर देंगे। नेक्स्ट है ही हमारा, तो ही को हम लोग क्या कर देंगे, हिम कर देंगे, और हिम रहेगा तो ही कर देंगे, कहीं भी रहे, एक्टिव में रहे, पैसिव में रहे, कहीं भी रहे कर देना है। ओके, सी रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, हर कर देंगे, अगर वी रहेगा तो हम लोग अस कर देंगे, अगर दे रहेगा दैट विल चेंज इन टू देम, इट दैट विल चेंज इन टू इट, नो चेंज, इट को चेंज नहीं करना है। नेम, नेम कहने का मतलब कोई भी नाउन अगर रहेगा, सपोज करो राम है, तो राम को जब चेंज करेंगे तो राम ही रहेगा। मान लो मैंगो है, पेन है, लैपटॉप है, तो इन सारे चीज को जो नाउन है उसको चेंज नहीं करेंगे, तो नेम को नेम ही रहने देंगे। अगर यू है दैट अगेन नो चेंज, नहीं चेंज करेंगे। अगर हु है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हु बहुत सेंसिटिव मामला होता है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है हु तभी जाकर वो चेंज होगा बाई हुम में, क्वेश्चन मार्क रहेगा तब। असर्टिव सेंटेंस में भी हु आता है जिस सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है, तो हु वहां पर बाई हुम में चेंज नहीं होगा। हु को चेंज करते समय हमें इसे याद रखना है कि दैट सेंटेंस मस्ट बी इंट्रोगेटिव, अदरवाइज चेंज नहीं करना है बाई हुम में, और इसको हम लोग हमेशा चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हमेशा चेंज करेंगे। विच अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है, ये भी असर्टिव सेंटेंस का पार्ट होता है, विच अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है देन अगेन वी चेंज इनटू व्हाई विच, लेकिन इसमें एक मामला है नॉट ऑलवेज, हमेशा चेंज नहीं करना, इसका एक कंडीशन है। इस कंडीशन को हम लोग बाद में देख लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू से, पहले हम लोग देख लेते हैं विच को व्हाई विच में चेंज करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो टेंस है, तो पहला टेंस है दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले देखकर, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो उसको देखकर, जैसे यहाँ तीन क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसको सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन में लेना पड़ेगा कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो उसको कैसे समझेंगे, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, देखो इसमें आप क्वेश्चन जो है ड्रिंक्स है, यहाँ यहाँ गिफ्ट्स है, यहाँ लाइक है, तो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देख लो यहाँ पर लाइक हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये टेंस हमारा कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। सेकेंड पहचान क्या है, वर्ब फिफ्थ रहेगा, मतलब एस और एस लगा रहेगा वर्ब में, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में है ड्रिंक्स, तो ये ड्रिंक्स क्या दिखा रहा है कि ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और ये वर्ब फर्स्ट और वर्ब फिफ्थ हमेशा अकेले रहेगा, किसी एक्सिलरी वर्ब के साथ नहीं रहेगा, तब जाकर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करेगा। ओके, दो चीज हम लोग पहचान लिए कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानते हैं। तीसरा क्या है, डू डच के साथ नॉट और वर्ब फर्स्ट रहा, नॉट रहे ना रहे वर्ब फर्स्ट रहेगा, तो वो फिर किस चीज को इंडिकेट करेगा, किस टेंस को इंडिकेट करेगा, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो ये तीन हमारे पास पहचान है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, डू डज एंड वर्ब फर्स्ट, तो ये तीन पहचान है जो इंडिकेट करा देगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और ये डू डज जो है उसको हम लोग पैसिव वॉइस में यूज नहीं करेंगे, इग्नोर डू डज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में डू डज को यूज नहीं करना है, आप इस बात को 100% मानकर चलो कि यूज नहीं करना है। ओके, सो पैसिव वॉइस रूल क्या है, पैसिव वॉइस रूल में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बन जाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है, इसके बाद क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, इज आर एम, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आएगा, इज आर एम। इज कब आएगा, जब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा। आर कब आएगा, जब ये सब्जेक्ट हमारा प्लुरल रहेगा। एम कब आएगा, जब यहाँ सब्जेक्ट आई रहेगा तब एम आ जाएगा। सिंपल सा बात है, इस बात को हम लोग पहले समझ चुके हैं, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, नॉट, नॉट क्वेश्चन में रहेगा तो रहने देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं रहता है तो नहीं रखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में रहता है तो रहने देंगे। नेक्स्ट क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हम लोग को पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। इसके बाद क्या, बाय यूज करेंगे, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट ला देंगे। अब हम लोग आते हैं एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, ही ड्रिंक्स 7 liters ऑफ मिल्क, वो 7 liters दूध पीता है। ओके, तो इसमें क्या है, ड्रिंक्स हमारा क्या है, वर्ब है, ड्रिंक्स हमारा वर्ब है, और ये टेंस है या नहीं है, है, हम लोग पहले से देख लिए वर्ब फिफ्थ है तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अब इसमें से देख लेते हैं कि ये ड्रिंक्स जो है का सब्जेक्ट कौन है, कौन पीता है ड्रिंक्स, कौन पीता है भाई, ही। इस ड्रिंक से आप पूछोगे हु ड्रिंक्स, कौन पीता है, तो जो आंसर निकल कर आएगा दैट विल बी सब्जेक्ट, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ रहा है, ही, तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इस ड्रिंक से पूछो व्हाट ड्रिंक्स, क्या पीता है, तो आएगा 7 liters ऑफ मिल्क, सिर्फ मिल्क नहीं आएगा, पूरा आएगा 7 liters ऑफ मिल्क। तो ये 7 liters ऑफ मिल्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको चेंज कर लेंगे। चेंज करने में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा बन गया 7 liters ऑफ मिल्क, ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज आर एम में से कोई एक यूज़ करेंगे, आर यूज़ किए। अब आप यहाँ कहोगे आर क्यों यूज़ किए, क्योंकि मिल्क है, इसके वजह से नहीं, मिल्क में तो ईज यूज करते हैं, यहाँ लीटर्स है, 7 liters प्लुरल हो गया, तो प्लुरल हो, हम लोग मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं, 7 liters ऑफ मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ आर हो गया। ओके, नॉट नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास निगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, अफॉर्मेटिव सेंटेंस है, तो नॉट नहीं आया। अब आपका थर्ड फॉर्म क्या आएगा, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ड्रंक। ओके, इसके बाद यहाँ फिर देखो इसी ट्रैक पर जाना है, जो हमारा रूल्स दिया हुआ है इसी रूल के ऊपर हम लोग को चलते जाना है। वर्ब थर्ड आ गया, इसके बाद क्या आना है, बाई को लाना है, तो बाई हमने ले लिया। इसके बाद क्या लाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन था, सब्जेक्ट कौन था, यही है, तो उसको हमने क्या कर दिया, हिम कर दिया, तो इस तरह से हमारा आंसर बन गया। अब इस एक्टिव और इस पैसिव के मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं है,
इसमें कह रहा है पहले वाले एक्टिव में, ही ड्रिंक 7 लीटर्स ऑफ मिल्क, वो 7 लीटर दूध पीता है। अब इस बात को समझो, 7 लीटर्स ऑफ मिल्क का ड्रंक बाई हिम, 7 लीटर दूध उसके द्वारा पिया जाता है। बात के मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं है, सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ मोटिव चेंज हो गया है। एक्टिव में हम मोटिव दिखाना चाहते हैं, ये है कि ही ड्रिंक्स, वह पीता है, हम फोकस कर रहे हैं ही के ऊपर, वाह उस आदमी को दिखाना चाहते हैं जो 7 लीटर दूध पीता है। लेकिन इस एग्जांपल में 7 लीटर्स ऑफ मिल्क, हम लोग ये दिखा रहे हैं कि वो 7 लीटर दूध पीता है, तो ये क्या हो गया, हमारा मोटिव चेंज हो गया। लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ, मोटिव चेंज हो जाता है, तो हम जैसा मोटिव में रहेंगे वैसा बात करेंगे। अगर ये यूज़ करना रहेगा, हमको ये दिखाना रहेगा ही ड्रिंक्स वो पीता है, तो ये बताएंगे। अगर ये बताना रहेगा 7 लीटर दूध पीता है, तो ये बताएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, एक्टिव को इसलिए यूज़ करते हैं और पैसिव को इसलिए यूज़ करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, द सन गिव्स अस लाइट। इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखो, इसमें एक वर्ब है दैट इज गिव्स, एक सब्जेक्ट है द सन, हु गिव्स द सन। ओके, अब इससे पूछो व्हाट गिव्स, तो जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा लाइट। हुम गिव्स अस, किसको देता है, अस को। तो हमारे पास व्हाट और हुम से जो पूछने से जो आंसर आएगा, दोनों ऑब्जेक्ट निकल रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट है, अस भी ऑब्जेक्ट है एंड लाइट भी ऑब्जेक्ट है। तो अस को लेकर एक बार चेंज ऑफ वॉइस करेंगे और लाइट को लेकर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है मतलब दो बार हम लोग चेंज ऑफ वॉइस कर सकते हैं, दोनों को एक ही सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। ओके, एक एक करके करेंगे। तो अगर अस को लेकर हम लोग करें, अस को अगर ऑब्जेक्ट माने और उसको सब्जेक्ट बनाए, तो वी होगा, और उस वी के बाद क्या आएगा, सिर्फ फिर पैसिव वॉइस रूल में आओ, सब्जेक्ट के बाद क्या रखना है, इधर में से कोई एक रखना है, तो क्या रखेंगे, आर रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई, वी के साथ क्या आता है, आर आता है, तो सिंपल, बहुत सिंपल है ये। इसके बाद नॉट नहीं आना है, फिर फार्मूला में जाओ आप, नॉट नहीं आना है क्योंकि निगेटिव नहीं है, फिर क्या आना है, फिर फार्मूला देखो, वर्ब थर्ड, तो इसमें वर्ब कौन था, गिव, तो क्या कर देंगे, गिव को थर्ड फॉर्म में क्या कर दिए, गिवन, सिंपल, वेरी 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 सिंपल। फिर वाई में आओ, वाई पुट करना है, इसके बाद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या था, द सन, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, बाई द सन, सिंपल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और दूसरा एग्जांपल लाइट को लेकर अगर देखें, तो लाइट अगर हमारा ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ सब्जेक्ट बना तो लाइट, अब यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, यहाँ इज क्यों आया, क्योंकि लाइट सिंगुलर होता है, वी प्लुरल था तो आर आया, तो हम लोग फिर फॉर्मूला में चले जाओ, पैसिव वॉइस रूल में, सब्जेक्ट आया, इजारे में आया, इसके बाद क्या आएगा, वर्ब थर्ड आएगा, वर्ब थर्ड क्या है, गिवन, इसके बाद क्या आएगा, बाई आएगा, तो बाई क्या आ गया, टू, सॉरी बाई नहीं आएगा क्योंकि ये अस बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा टू अस रह गया, और ये लाइट था तो लाइट उधर रह गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट उधर ही रह गया था, तो उधर ही रहने दिए। अभी ये अस जो है इधर ही रह गया है, लाइट तो हम लोग सब्जेक्ट बना लिया तो इधर चला गया, लेकिन अस इधर रह गया तो इधर रहने देंगे, और जब कभी भी ह्यूमन बींग्स का कोई पार्ट रहेगा तो उसके साथ टू करेंगे, राइट। इसके बाद क्या यूज़ होगा, बाई द सन, ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिए हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, आई डू नॉट लाइक देम, इसमें हमारा वर्ब कौन है भाई, लाइक, इस एग्जाम्पल में हमारा जो वर्ब है दैट इज लाइक, सब्जेक्ट कौन है, आई, तो इसका पैस और ऑब्जेक्ट कौन है, देम, देम को क्या कर दिए, दे कर दिए, फिर क्या आएगा, इज आर एम में से आर आया, इसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट क्यों आए, क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं, नॉट को रहेगा तो रहने देंगे, और डू क्यों नहीं लिए, यहाँ देखो आप थर्ड नंबर पार्ट में ऊपर वाले में, इग्नोर डू डज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में डू डज को यूज नहीं करते हैं, तो नहीं किए, सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है ये। और इसके बाद क्या करेंगे आप, सिंपली नॉट के बाद क्या करेंगे, वर्ब थर्ड यूज़ कर लो, इसके बाद क्या करना है, फिर बाई रखना है, बाई रख लो, इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा आई था उस आई को हमने क्या कर दिया, मी कर दिया, सिंपल चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम लोग सीख गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्टिव से पैसिव में किस तरह से चेंज करते हैं। तो इसी के ऊपर आपको होमवर्क मिलेगा 10 क्वेश्चंस का, जो ये वीडियो जब मिल जाएगा उसके इमीडिएट बाद आपको वो होमवर्क मिलेगा, और उसको करके आप इधर व्हाट्सअप कर दो हमको, या फिर फोटो क्लिक करके आपने किया है उसमें हम आप हमको भेज दो, उसका वीडियो सॉल्यूशन जो है इसी तरह से मिल जाएगा, या फिर बोर्ड के थ्रू से मिलेगा। तो अगला लेसन जो होगा हमारा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर होगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।